अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का तोशा खाना है उसके बारे में जो है बड़ी बड़ी ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब जबकि इमरान ख़ान साहब जो है वो इस केस में अपनी कौमी असम्बली की सीट से नाअहल भी हो चुके हैं, इसके बावजूद जो है वो किरदारों का अभी तक कोई पता नहीं था कि घड़ी जो है वो कहाँ है इस टाइम और किस ने उसको जो है परचेज़ किया और वो इस टाइम किस बंदे के हाथ में है। तो रात के शो के अंदर जियो न्यूज़ के ऊपर शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू किया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने जो है वो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब जो कि दुबई के एक ताजर हैं उनका इंटरव्यू जो है वो उन्होंने डिटेल में किया है और उसमें कुछ इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं जो कि पूरे पाकिस्तान समेत जो है पूरी दुनिया ने वो इंकशाफात देखे और सुने। और इसके ऊपर जो है वो एक छोटा सा जो है आपको अपडेट देना चाह रहे हैं क्योंकि उस शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर यानी कि उमर फ़ारूक ज़हूर साहब के इंटरव्यू के बाद जियो न्यूज़ के एक रिपोर्टर से फरा खान उर्फ फरा गोगी के ने जो है वो बात करते हुए बिल्कुल ही यानी कि इनकार कर दिया कि वो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब को कभी मिली हैं ज़िंदगी में और वो तो उनको जानती नहीं हैं। तो इसके जवाब में जो है वो फिर हम कुछ रिपोर्टर्स के आपको पता है कि भी अपने सोर्सेज होते हैं तो उन सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इसके बारे में जो है वो अपडेट जो है नहीं आई है। तो उसके अंदर इंकशाफ ये हुआ है कि उमर फ़ारूक ज़हूर साहब के ऑफिस के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसमें जो फुटेज आई हैं उसमें पता चलता है कि फरा खान साहिबा जो हैं वो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब से मिलने उनके ऑफिस में 4 दफ़ा गई हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 4 दफ़ा की फ़ोटेज जो है 4 दिन की वो उनके ऑफिस में जो है उनके पास मौजूद है और इन चारों वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि फरा गोगी जो है उनके वो 4 मुख्तलिफ़ यानी कि चक्रों के अंदर 4 मुख्तलिफ़ अपने ड्रेसों के साथ साथ ड्रेसेस के साथ साथ मतलब ये कि उनके 4 मुख्तलिफ़ उनके हैंडबैग भी उनके साथ थे। तो इसमें ये है कि 2 बार तो उन्होंने जो है वो विज़िट किया कि एक दफ़ा रसीदें लेके आई हैं और उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा बार्गेनिंग के लिए आई हैं और फिर तीसरी और चौथी जो फुटेज है उसके अंदर वो बैग्स के साथ बड़े बड़े बैग्स के साथ जो है जी वो उनके ऑफिस में दाखिल होते और निकलते पाई गई हैं। तो जाहिर है कि जैसे कि शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर उमर फ़ारूक ज़हूर साहब ने इंटरव्यू देते हुए पहले ही बता चुके हैं कि उनसे ये जो घड़ी की रकम की जो अदायगी थी वो अदायगी उन्होंने जो है वो कैश में उन्होंने तकाजा किया था कि इसकी हमें कैश में अदायगी चाहिए जो है आप करके दें। तो जो कैश में भी जो रकम है वो ज़ाहिर है कि तकरीबन 7.5 मिलियन जो है वो दिरहम बनते हैं तो वो बैग्स के अंदर यानी कि उसको लेके जाते हुए वो पाई गई हैं। तो दिरहम के अंदर उसकी अदायगी की गई वो जो है उमर साहब ने बता दिया। और अब कुछ दूसरे एंगल से जो है आपको बताते हैं कि इसमें कुछ सवालात जो है वो जन्म लेते हैं, सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं जिनके जवाबात भी तकरीबन सामने आ चुके हैं और आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ जो है वो आपको ये बता दूं कि अगर आज क्योंकि ये आज जो है उसकी वीडियो जो है वो सामने आई है और उसका इंटरव्यू उमर फ़ारूक ज़हूर का आया है सामने, तो उसको अगर आज देखा जाए तो वो आज इस बात को मानते हैं कि जी इसकी जो मालियत है उस घड़ी की वो उस कंपनी ने जो एस्टिमेट लगा कर उमर फ़ारूक ज़हूर साहब को वेरीफ़ाई किया कि हाँ जी ये घड़ी हमारी ही कंपनी की है और आप इसको जो है वो अगर 10 से 12 मिलियन डॉलर के अंदर इसको परचेज़ कर लेंगे तो तब भी आप इसके खसारे में नहीं रहेंगे, ये आपके लिए फ़ायदेमंद डील होगी। लेकिन अगर उमर साहब ने कहा कि अगर मैं इसको ज़्यादा बेहतर कर लूँ तो फिर वो कहते हैं फिर आप इसको हाफ़ में भी कर सकते हैं कि जहाँ भी आपको मिल जाए वो आपके लिए बेनिफिट है। अब उमर फ़ारूक ज़हूर साहब जो हैं ये दुबई के अंदर ताजर हैं और इनके पास जो है ये मुख्तलिफ़ इनके बिज़नेसेस हैं और इन घड़ियों के ये शौकीन हैं, तो इन्होंने वो घड़ी जो है वो आकर बकौल इनके कि जी फरा खान साहिबा से 2 मिलियन डॉलर यानी कि 20 लाख डॉलर के अंदर जो है इनका जो है उससे सौदा तय हो गया और इन्होंने वो उसका जो उन्होंने कहा फरा खान ने इनको डिमांड की कि मुझे जो है ये रकम जो है वो दिरहम के अंदर चाहिए और इनके ऑफिस में कैश में चाहिए।
जिसके नतीजे में वो फिर उनको उनसे एक दिन का वक्त ले लिया गया और उस वक्त के लेने का मकसद ये था कि वो पैसों की अरेंजमेंट कर लेते और फिर उन्होंने वो पैसों का अपना बैंक से जो है वो रابطہ करके पैसों का अरेंज किया और दिरहम के अंदर उनको सारी पेमेंट कैश में की और उनके सारी यानी कि उस इस बारे में उनके एविडेंस जो है वो उनके पास मौजूद हैं। अब